नमस्कार, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटना के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार है और दुर्घटना में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भी यही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में सड़क दुर्घटना होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि बिहार में सड़क दुर्घटना अब 3.3% से बढ़कर 3.5% हो गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेवार कौन है। सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड मानी जाती है। क्या यह दुर्घटना के आंकड़े बढ़ाने का अकेला जिम्मेवार है? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपने कभी यहाँ गौर किया है कि राज्य में धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराया जा रहा है बिना यह जाने कि वह व्यक्ति ड्राइविंग में कैसा है। ये काम बिचौलियों द्वारा बिहार में खूब किया जाता है जो कि सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। जानकारी के मुताबिक राज्य के ऐसे कई जिले हैं जहाँ एक भी चालक को ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं किया जाता है। हालांकि इन आंकड़ों को देखकर अब परिवहन विभाग भी सचेत हो गई है और ठोस से ठोस कदम उठा रही है। दरअसल लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले एक 7 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह वीडियो देखे बिना आप ऑनलाइन टेस्ट में पास नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, परिवहन विभाग ने बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए यह एक ठोस कदम उठाया है। बताया गया है कि वाहन चालकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। उस वीडियो में आपकी और सड़क पर चलने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इस वीडियो में गाड़ी चलाते समय चालक के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी दी गई है। वीडियो में हेलमेट पहनने, ओवर स्पीड नहीं चलने, ओवरटेक नहीं करने, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करने, अपने लेन में चलने, इमरजेंसी वाहन को रास्ता देने, रेड लाइट जंप नहीं करने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने आदि के बारे में बताया गया है। दरअसल जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले आपको लाइसेंस के लिए चालान कटवाना होता है। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुक करने से पहले आपको यह वीडियो देखना होगा। बिना इसे देखे आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाएंगे। स्लॉट बुक करने के दौरान इस वीडियो का एक कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। अगर आपने इसे बीच में बंद करने की होशियारी की और बिना वीडियो देखे आप कार्यालय में बुकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ सिस्टम पर यह बता देगा कि आपने वह वीडियो पूरा नहीं देखा है। इसके पीछे परिवहन विभाग का मकसद है कि लोग सुरक्षित गाड़ी चलाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और उनके आसपास के लोगों को भी उनसे खतरा ना हो। सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।